देहरादून में प्रांतीय ग्राम प्रहारी कर्मचारी संगठन की एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन मंत्री बृजेश बनकोटे की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में ग्राम प्रहारियों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार को ग्राम प्रहारी द्वारा कई बार न्यूनतम वेतन को लेकर ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक इस मामले में उनकी अनदेखी ही की है। साथ ही बैठक पर इस बात पर भी चर्चा की गई कि भारत सरकार द्वारा भी ग्राम प्रहारियों को किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी जाती है। भारतीय मजदूर संघ के नाते ग्राम प्रहरी संगठन की जो ये मांगे हैं, इनको हम लोग सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पहले भी किया है और लगातार जारी रखेंगे। और हम लोग चाहते हैं कैसी विषम परिस्थिति में ये लोग ग्राम प्रहरी काम करते हैं, किन परिस्थितियों में लोग गांव में एक इंटेलिजेंस के रूप में गांव की सुरक्षा के लिए कैसे काम ये लोग लगे हुए हैं। 11,000 की संख्या कम नहीं होती। ऐसे एक तरफ जहाँ सरकार सातवें वेतन आयोग की बात कर रही है, सातवां वेतन आयोग लागू करने की बात कर रही है, तो यहाँ दूसरी तरफ ग्राम प्रहरियों को किसी को 1200 रुपये आप दे रहे हैं महीने के, किसी को 2000 रुपये मिल रहे हैं। सरकार को इनकी भावनाओं को सुनना चाहिए, इनकी बातों को सुनना चाहिए और कम से कम 18,000 न्यूनतम वेतन ग्राम प्रहरियों को मिलना चाहिए। जब तक 18,000 का वेतन आप लोग इनको नहीं दे सकते, तो तब तक न्यूनतम वेज प्रदेश का जो न्यूनतम वेज है वो इन पर भी लागू करना चाहिए। इन लोगों को भी इसमें शामिल करके इनको कम से कम न्यूनतम वेतन तो मिलना चाहिए। हमारा ये जो न्यूनतम, पहले बहुत लंबे समय से चल रहा है हमारा कि न्यूनतम वेतन सरकार हमें दे, और काम इतने विभाग 19 विभागों का अतिरिक्त दायित्व ग्राम प्रहरियों के कंधे पे है, और हमने कई बार इसमें आंदोलन भी किए हैं, ज्ञापन के माध्यम से भी भेजा है, लेकिन सरकार अपना जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं कि ग्राम प्रहरी भी कोई एक ऐसा गरीब तबका है कि जिसको आगे बढ़ाना है। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।